इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, एंटीरिनियम एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन प्लांट भी। जब हाँ हमने हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा बताओ, मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट दिया, हमने ये वाला क्रॉस करवाया, ठीक है, सेग्रीगेशन से ये दोनों गैमेट्स अलग अलग हो जाते हैं, जितेश है ना, एफ वन जनरेशन जब बनाएंगे तो ये ऐसे कंबाइन कर जाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। और मेंडल ये कहते हैं कि अगर पेयर में डोमिनेटिंग जीन है तो उसका एक्सप्रेशन आना चाहिए, यानी कि ये टॉल बनेगा, ये भी टॉल बनेगा, ये एफ वन जनरेशन है, ये गेमीट्स है और ये पेरेंट्स, ठीक है, डन है ना। तो एक्सप्रेशन इनका क्या आ रहा है, टॉल, इसका भी एक्सप्रेशन टॉल। टॉल क्यों, क्योंकि उसके अपने पेरेंट का वो करेक्टर था, टॉल था, ड्वार्फ था। टॉलनेस अकॉर्डिंग टू मेंडल, डोमिनेटिंग जीन अगर पेयर में है तो अपना फीचर देगी। पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसी का एक एक्सेप्शन है, जहां पे हमारे पास एंटीरिनम में दो तरह के हमने फ्लावर्स लिए और उनको क्रॉस करवाया, एक है रेड एक है वाइट, वही जनरेशन बनाई पेरेंट्स, फिर बनाई गेमीट्स, गेमीट्स में क्या है, ये दोनों अलग अलग हो गए, कैपिटल आर कैपिटल आर, इधर स्मॉल आर स्मॉल आर। जब आपने इसकी एफ वन जनरेशन बनाई तो कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। अब अकॉर्डिंग टू मेंडल, मेंडल ने क्या कहा था, अगर पेयर में डोमिनेटिंग जीन है तो उसका एक्सप्रेशन आए, है ना, यहाँ पे भी पेयर में डोमिनेटिंग जीन है तो एक्सप्रेशन रेड आना चाहिए, पर वो आया ही नहीं। क्या आया एक्सप्रेशन, पिंक। इसका रिजल्टेंट क्या आया, पिंक, यहाँ पे भी पिंक। मतलब ये पिंक वाला फीचर तो दोनों पेरेंट्स का नहीं था, दोनों का ही नहीं ना, पेरेंट्स में था रेड या था वाइट, तो पिंक कहाँ से आ गया, पिंक आया जब डोमिनेटिंग ने अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं की। अगर वो फुल एक्सप्रेशन देता तो वो रेड देता, क्योंकि ये फुल एक्सप्रेशन है, तो रेड के आने के चांसेस इस प्लांट में, रेड कलर वापस आने के चांसेस तब होंगे जब होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। हेटरोजाइगस डोमिनेंट में डोमिनेंट फीचर नहीं आ रहा, इसमें सिर्फ स्नैपड्रैगन में, ये एक्सेप्शन है ना, दिस इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नहीं, वो हमारी हाइट में तो देखो कौन से केसेस हैं, बहुत सारे, हाँ बहुत सारे हैं, यहाँ पे तो उन्होंने एक्सट्रीम्स की बातें करी ना, इसीलिए अगर कोई प्लांट टॉल है तो वो प्रॉपर टॉल नजर आता है, ड्वार्फ है तो बिल्कुल प्रॉपर नजर आता है ड्वार्फ, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कंट्रास्टिंग करेक्टर्स जो लिए थे वो एक्सट्रीम्स के लिए थे, पर्पल फ्लावर लिया था तो व्हाइट लिया था, अगर ऐसा नहीं उन्होंने बोला कि दिस इज ब्लू एंड दिस इज पर्पल, है ना, ऐसे वाले फ्लावर्स को क्यों नहीं लिया, क्योंकि फर्क पता चले और क्लियर कट पता चले। हम देखते हैं ना, दे हैव द सेवन कंट्रास्टिंग करेक्टर्स एंड ऑल वर वेरी क्लियर, है ना, तो यहाँ पे भी यही कंसेप्ट है। तो क्यों नहीं आया रेड, क्यों नहीं आया रेड, आएगा सिर्फ होमोजाइगस डोमिनेंट में, और व्हाइट आएगा सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव में, और यहाँ पे पिंक कब आएगा, जब ये हेटरोजाइगस डोमिनेंट में आएगा, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। को डोमिनेंस वाला फीचर भी होता है, दोनों डोमिनेटिंग होती हैं पेयर में और दोनों अपने आप का एक्सप्रेशन देती हैं, बट वो दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग होते हैं, ठीक है। ऐसे तो दोनों जीन्स ये भी एक्सप्रेस कर रही हैं, ऐसे तो ये भी एक्सप्रेस कर रही हैं, ये भी एक्सप्रेस कर रही हैं। कैमेलिया फ्लावर की एग्जांपल, वही बता रही हूँ ना, जब दोनों डोमिनेटिंग जीन्स हैं, दोनों एक्सप्रेस कर रही हैं और ये टॉलनेस दे रहा है, तो बात तो ये भी वही है, ये कोडोमिनेंस का केस है। नो, ये कोडोमिनेंस ही, कोडोमिनेंस कब है, जब ही ये हमारे पास ब्लड ग्रुप वाला है, इसने एक्सप्रेशन ए का देना है, इसने बी का देना है, लेकिन ये ऑल टुगेदर इकट्ठे ए बी का एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तभी ये कोडोमिनेंस, ठीक है। कहने में ये भी दोनों जीन्स का पेयर जो है दैट इज ऑल्सो डोमिनेटिंग, दोनों डोमिनेटिंग है, दोनों एक्सप्रेस करती हैं तो रेड आएगा, अगर एक ने एक्सप्रेस किया तो पिंक आया, तो क्या ये कोडोमिनेंस है? नो, कोडोमिनेंस कहाँ पे है, जहां दोनों का एक्सप्रेशन अलग अलग है और दोनों इकट्ठे डोमिनेट करेंगी, अपना एक्सप्रेशन देंगे, ब्लड ग्रुप नहीं, ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। मैंने कैमेलिया फ्लावर की लिखी एग्जांपल एनसीईआरटी में, क्या है शिवम, कैमेलिया फ्लावर की एग्जांपल भी लिखी है कोडोमिनेंस में। अच्छा, एक और दी हुई है एग्जांपल एनसीईआरटी में, कैमेलिया फ्लावर शायद एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस मल्टीपल एलील्स की है, वो कह रहे हैं मल्टीपल एलील्स की है, कोडोमिनेंस की नहीं है, दिखाओ।
हाँ, जिसमें वो ग्रेन साइज वाला, ग्रेन साइज वाला, ये राउंड आता है, ये स्मॉल भी वाइट आता है, ये इंटरमीडिएट साइज आता है। हाँ तो इंटरमीडिएट वही हुआ ना फिर, ये ना राउंड है ना रिंकल्ड है। हाँ तो करेक्टर अलग दे रहा है ना, ये कोडोमिनेंस, तो कोडोमिनेंस ही आएगी। ये मल्टीपल लीज के बाद ही है वो, नहीं मल्टीपल एलीलिज्म तो है ही है खैर, लेकिन कोडोमिनेंस पे तो एग्जांपल आ ही सकती है इसकी, क्योंकि वो तीसरा करेक्टर दे रहा है ना। नहीं पर तीसरा करेक्टर दोनों अलग अलग थोड़ा ना एक्सप्रेशन दे रहे हैं, नहीं है ये कोडोमिनेंस नहीं है। शिवम ये जो ग्रेन साइजेस वाली बात कर रहे हैं आप, कोडोमिनेंस नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मैं तो फ्लावर बोल रहा हूं, इनकम्प्लीट है। फ्लावर कौन सा है, फ्लावर बोल रहे हैं। मैम उसमें एक फोटो बनी होगी जिसके अंदर रेड और व्हाइट दोनों फ्लावर होंगे, कोमिलिया कोई फ्लावर है, फ्लावर दिया है को डोमिनेंस में, देख लो पढ़ लो इसको एक बार। कहाँ पे दिया है, कौन सा पेज नंबर, कैन यू प्लीज टेल मैम, मुझे ऐसे दिन नहीं याद। ओके वी विल फाइंड आउट एनसीईआरटी में हो, वैसे तो मैम आपको ढूंढ के भेज। ओके ओके, वैसे तो ब्लड ग्रुप का ही आता है, बट यू स्टिल रीड, यू रीड फ्रॉम हियर। Okay, might be there is some other example of the codominance. हाँ जी, एक तो डोमिनेंस है ही है, वो तो मेंडल ने समझाया, पर उसकी एक्सेप्शन आई इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और साथ में एक कंसेप्ट आया कोडोमिनेंस। ठीक है, हाँ जी ठीक है। ये एंटेरिनम में है, स्नैप ड्रैगन में है, बस स्नैप ड्रैगन फ्लावर लिखा हुआ है बुक में, लिखा हुआ है स्नैप ड्रैगन। अच्छे से होके बैठो। हाँ जी, सो कमिंग टू द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, अमंग द सेवन पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन द पी प्लांट एज स्टडीड बाय मेंडल, द नंबर ऑफ ट्रेट्स रिलेटेड टू फ्लावर, पॉड एंड सीड रिस्पेक्टिवली वर 2-2-2, 2-2-1, 1-2-2, 1-1-2, फ्लावर पॉड एंड सीड रिस्पेक्टिवली वर। सीड दो थे, फ्लावर के दो कौन कौन से हैं, फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन, पॉड कलर एंड पॉड शेप, सीड कलर एंड सीड शेप, तो 2-2-2, सारे 2-2-2। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम ऑफ द डोमिनेटिंग ट्रेट्स स्टडीड बाय मेंडल वर, कौन से हैं डोमिनेटिंग ट्रेट्स आपको यहाँ पे बताने, राउंड सीड शेप, ग्रीन सीड कलर एंड एक्सियल फ्लावर पोजिशन, ये आप यस नो बोलो मुझे। Some of the dominant traits studied by Mendel were, इनमें से dominant traits जो Mendel ने study किए कौन से हैं? First option है round seed shape, green seed color and axial flower position. No, what is wrong in this? Dominant बताना है, round seed shape, green seed color. Seed color करते हैं। हाँ, yellow seed color dominating होता है, ठीक है। नेक्स्ट में बताइए, टर्मिनल फ्लावर पोजीशन, ग्रीन पॉड कलर, इन्फ्लेटेड पॉड शेप, टर्मिनल फ्लावर पोजीशन, ग्रीन पॉड कलर एंड इन्फ्लेटेड पॉड शेप, टर्मिनल नहीं होता, एक्सियल होता है डोमिनेंट। ठीक है, वॉयलेट फ्लावर कलर, ग्रीन पॉड कलर एंड राउंड सीड शेप, फ्लावर कलर वॉयलेट होता है, पॉड कलर ग्रीन होता है, सीड शेप राउंड ही होता है, दैट्स करेक्ट। और चौथा है हमारे पास रिंकल्ड सीड शेप, ये तो गलत ही होगा, राउंड होता है। ठीक है, ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ रिसेसिव एलील इज एक्सप्रेस्ड इन हेटरोजाइगस कंडीशन ओनली, होमोजाइगस कंडीशन ओनली, F3 जनरेशन, बोथ होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस, होमोजाइगस ओनली, वेरी राइट। नहीं वो दोबारा रिपीट्स में आते हैं तो फिर से आ जाते हैं। ओके नेक्स्ट इज, व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटिपिक फीचर्स इन द फर्स्ट फिलियल जनरेशन After a cross between a homozygous female and a heterozygous male for a single locus, 3:1, 1:2:1, 1:1, none of these. Why 1:1? Homozygous ये होता है जब दोनों same होती हैं genes, ठीक है? Heterozygous ये होता है। What will be the distribution of phenotypic features in the first filial generation after a cross between a homozygous female and heterozygous male for a single locus is made? Test of data ye, fir 1:1. Ratios are 3:1, 1:1, and 1:1.
क्रॉस होगा ना तो 1:1 नहीं होगा। हाँ ये टेस्ट क्रॉस होगा और 1:1 टेस्ट क्रॉस के कंसेप्ट है ना, हेटरोजाइगस के साथ हम होमोजाइगस को ट्रीट करो। हमने होमोजाइगस ही बोला उसने, उसे रिसेसिव और वो तो बोला नहीं, उसने रिसेसिव नहीं बोला, उसने बोला एक होमोजाइगस फीमेल है और एक हेटरोजाइगस मेल है। होमोजाइगस तो रिसेसिव है और हेटरोजाइगस हमारे पास मेल है, ठीक है। सो ये 1:1 रेशो आएगी। हाँ जी क्लियर, नहीं जरूरी नहीं है, होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है। हाँ जी, सो F1 प्रोजेनी इन द जनरेशन ऑफ हाइब्रिड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन द जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स कॉल्ड पेरेंट्स। अ क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस पेरेंट्स फॉर अ सिंगल लोकस विल प्रोड्यूस 1:1 रेशियो ऑफ फेनोटाइपिक फीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, हाँ जी चलो नेक्स्ट बताओ। सुनो वरुण गितेश, लिसन नाउ। In a monohybrid cross between two heterozygous individuals, percentage of pure homozygous individuals obtained in F1 generation will be क्यों? In a monohybrid cross between two heterozygous individuals, ठीक है, percentage of pure homozygous individuals obtained in F1 generation will be 25%, 50%, 75%, 100%. 50% बेटा हमने क्या बोला है, क्वेश्चन क्या है हमारा, दैट इज द क्रॉस इज मेड बिटवीन होमोजाइगस हेटरोजाइगस इंडिविजुअल्स। दो हेटरोजाइगस हैं, ये दोनों हेटरोजाइगस हैं। हाँ एक मिनट ठहरो, ये देखो हमें बोला क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है बिटवीन टू हेटरोजाइगस इंडिविजुअल्स, परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल। यहाँ पे हमने क्रॉस बना दिया, दिस इज कैपिटल टी कैपिटल डी, दिस इज कैपिटल टी स्मॉल डी, दिस इज अगेन कैपिटल टी स्मॉल डी, दिस इज स्मॉल डी स्मॉल डी, ठीक है। ये हमारे हेटरोजाइगस इंडिविजुअल्स आ गए। अब वो बोलते हैं परसेंटेज ऑफ प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, प्योर होमोजाइगस कौन है, और ये भी है, हाँ ये भी तो प्योर होमोजाइगस है। सो 2 out of 4 दैट इज 50%, ठीक है। सो 50% इज द आंसर, डन। What is the probability of production of dwarf offspring in a cross between two heterozygous tall pea plants? Do heterozygous tall pea plants mein, what is the probability of the production of dwarf offsprings? Percentage 25, 50, 75, 25, because it is only one, this one, ठीक है, out of 4 into 100, so comes out to be 25%. Okay, next is, on crossing two heterozygous tall plants, a total of 500 plants were obtained in F1 generation. ठीक है, दो heterozygous tall plants किए cross, 500 मिले total. What will be the respective number of the tall and dwarf plants obtained in F1 generation? अरे, What will be the respective number of tall and dwarf plants? वैसे आपको इसी नंबर से आंसर मिल जाएगा, अगर एक बार करके देखा करो, एक ही ऑप्शन में 125 गिवन, ठीक है। अगर हमारे पास नहीं आता, दो में गिवन है ड्वार्फ का आंसर, तो हमें माइनस करके दूसरे का आंसर निकालना, 375 विल बी टॉल, ठीक है। ये टॉल्स आएंगे, ये सारे ड्वार्फ्स आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में टाइम बचाना है, आपने छोटी कैलकुलेशन पकड़नी है, और इस छोटी कैलकुलेशन में अगर आपको आंसर एक ही में मिल जाता है, दैट इज आंसर, ठीक है। स्टिल इफ यू वॉन्ट टू कन्फर्म यू कैन डू इट फॉर अदर वन ऑल्सो, बट ऐसा आपको एक आंसर में मिल रहा है चार में से, तो आप इसको कंटिन्यू नहीं करो, माइनस करने में टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। और इवन अगर आपको यहाँ पे डबल में आंसर मिल रहा है 125, फिर आप माइनस करके सेकंड को ऑफ कोर्स श्योर करोगे, ठीक है। सो हाँ, लेकिन पर फिर भी आपको जितनी जल्दी कैलकुलेशंस कर पाओ उतना ज्यादा आसान, ठीक है। हाँ जी, सो लिसन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन माइस ब्लैक कोट कलर अलील कैपिटल बी इज डोमिनेंट, लिसन एंड राइट इट ऑल्सो।
नहीं आया था. ब्लैक कोट कलर दैट इज गिवन बाय अलील बी इज डोमिनेंट टू ब्राउन कोट कलर दैट इज गिवन बाय अलील स्मॉल बी. दिस इज ब्लैक कोट कलर एंड दिस इज ब्राउन कोट कलर. ठीक है. द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ क्रॉस बिटवीन ब्लैक माउस एंड ब्राउन माउस वर अलाउड टू इंटरब्रीड. अब इनको इंटरब्रीडिंग करवा दिया. ठीक है. What percentage of the progeny would have the black coats? All 100%. Why? हेटरोजाइगस आएंगे सारे. हाँ. कैपिटल बी स्मॉल बी फर्स्ट जनरेशन इन एफ टू जनरेशन बोला क्या उसने के फर्स्ट नंबर. The offspring of a cross between a black mouse and a brown mouse were allowed to interbreed. देखो क्वेश्चन में उसने बोला है offspring of the cross they are allowed to interbreed. मतलब हाँ ये F2 की बात कर रहे हैं. हाँ देखो लाइन क्या बोली है. The offspring of a cross between the black mouse इन दोनों का क्रॉस हुआ offspring जो हुआ that is allowed to interbreed. अब वापस इंटरब्रीडिंग कर दी उन्होंने. मतलब यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स मिले कैपिटल बी स्मॉल बी इनकी भी इंटरब्रीडिंग करवा दी. अब बताइए कितने आएंगे. रेशो आता है हमारा 3:1 है ना. 3:1 ही आता ना. टॉल इज टू ड्वार्फ है ना. और हमें निकालना नहीं है ये सिंपल है. दैट इज 3:1 रेशो पता है हमें. सो इट इज 75% फॉर द डोमिनेटिंग फीचर एंड ओनली 25% फॉर द रिसेसिव फीचर. तो जिसकी बात कर रहे हैं रेशो से ही बता दो. तो सेल्फिंग ही कहते हैं. तो इंटरब्रीड इंटरब्रीड मतलब इन्हीं की पॉपुलेशन में ब्रीडिंग हो गया. द ऑफस्प्रिंग ऑफ दिस क्रॉस आर अलाउड टू इंटरब्रीड. इनको अलाउ कर दिया इंटरब्रीडिंग में तो आप पॉपुलेशन बताएंगे. ठीक है. वर्ड्स की महत्वता को समझो. ठीक है. वर्ड्स की गहराई को समझो. आदित्य एंड शिवम हैव गॉन. आदित्य जी तो आते ही चले गए हैं बता देना. He was here only for 1 minute. Mankirat is here only. Okay, next is a question. A tobacco plant heterozygous for a recessive character is self-pollinated and 120 seeds are subsequently germinated. Dobara bolo. A tobacco plant heterozygous for a recessive character is self-pollinated and 120 seeds are subsequently germinated. How many seedlings would have the parental genotype? कैसे? इसमें नंबर लिखे हैं परसेंट नहीं लिखे. 1200, 600, 300, how? वन ट्वेंटी सीड्स आर सब्सिक्वेंटली जर्मिनेटेड. हाउ मेनी सीडलिंग्स वुड हैव द पेरेंटल जीनोटाइप? परंटल मतलब उसने तो हेटरोजाइगस ही पेरेंट्स लिए हैं ना. और टबैको प्लांट हेटरोजाइगस फॉर अ रिसेसिव करेक्टर. टबैको प्लांट हेटरोजाइगस फॉर अ रिसेसिव करेक्टर. इसमें मिसप्रिंट होगा. वैसे 50% ही बनेगा एंड दैट इज 600 पर 60 आएगा. वही मिसप्रिंट है यहाँ पे. या तो सीड्स 1200 होने चाहिए या फिर नीचे 60 होना चाहिए. 600 मिसप्रिंट है यहाँ पे. हैं जी. हाँ सीड्स 1200 हैं और जो हमारे पास प्रोजेनी में आएंगे 50% होंगे. हाँ यहाँ पे 120 सीड्स लिखे हैं. हाँ ये इधर सेकंड के थर्ड वाला. हाँ जी शिवम इज बैक अगेन. शायद डिस्कनेक्ट हो गए थे. शिवम आपका डिस्कनेक्ट हुआ था. हाँ जी यस मैम. ओके ओके. आदित्य हैज गॉन आफ्टर जस्ट 2 मिनट्स. ओके डू टेल टू इंद्रजीत मैम. हाँ जी ये दिखाओ. ठीक है. हेटरोजाइगस फॉर रिसेसिव करेक्टर का मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि हेटरोजाइगस कंडीशन की बात कर रहा है. रिसेसिव के लिए हेटरोजाइगस नहीं हो सकता. होमोजाइगस फॉर रिसेसिव कहते हैं हम. हेटरोजाइगस को नहीं कहते.
कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ अगर करेंगे तो 50% आएगी ना, अदरवाइज तो आनी नहीं है। कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉसिंग करवाऊंगे when heterozygous plants are self pollinated 50% of the progeny would have the parental type ठीक है। heterozygous ही तो हैं, तो parental hetero हैं, तो हमारे पास homo hetero दोनों आएंगे, यही वाला कंसेप्ट है। ये अभी किया नहीं है यहाँ पे। गितेश why are you being confused? ये देखो ये heterozygous है दोनों, हाँ ये heterozygous है दोनों, इनमें ये homozygous हो गया, ये भी homozygous हो गया। अब ये वाला जो पेयर बनेगा तुम्हारा, ये इसके साथ और ये वाला है ना, ये heterozygous है और ये दोनों का भी heterozygous है, कैपिटल डी स्मॉल टी, तो ये 50% हुए ना, 2 out of 4 heterozygous parental है। हाँ तो है ही पेरेंटल हेटरो है। अच्छा अच्छा धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिटरमिन इन जीनोटाइप ऑफ अ टॉल प्लांट ऑफ F2 जनरेशन मेंडल क्रॉस्ड दिस प्लांट विद अ ड्वार्फ प्लांट, दिस क्रॉस रिप्रेजेंट्स अ टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब भी आपको जीनोटाइप ढूंढना है किसी का भी, हमेशा टेस्ट क्रॉस लगाया जाता है, ठीक है। टेस्ट क्रॉस यही जब हमने हेटरोजाइगस कंडीशन के साथ किसी भी पेरेंट को क्रॉस करवा देना, ठीक है। जैसे F2 जनरेशन है, यही वाली F2 जनरेशन आपके पास ऑब्टेन हुई, दिस वाज द पेरेंट, ठीक है, ये पेरेंट्स है, हमने इन पेरेंट्स का जीनोटाइप ढूंढना था। लेट से हमारे पास टॉल आ गया, कोई प्लांट आ गया, ठीक है, मुझे उसका जीनोटाइप नहीं पता, मेरे पास टॉल है, टॉल को मैंने क्या किया, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ यानी डिफाफ के साथ ऑब्टेन करवा लिया। दो कंडीशन है, या तो ये टॉल होमोजाइगस होगा या ये टॉल हेटरोजाइगस होगा, यही चीज आती है ना। अगर मैं इस टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करवा रही हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, आई टेक द फर्स्ट क्रॉस, ये वाला, पहले मैं इन दोनों का क्रॉस करके देखती हूँ, ठीक है, सारे के सारे टॉल्स आ जाएंगे, सारे टॉल ऑर्गेनिज्म आ गए, तो अंडरस्टूड हो गया कि ये मेरा ऑर्गेनिज्म जो था इट वॉज होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। लेकिन अगर मुझे सारे रिजल्ट में 50-50 रेशियो आ गए, ये क्रॉस बनाया मैंने अब इसके साथ बनाया है ना, तो मेरे पास परसेंटेज क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, 50-50 रेशो 1:1, 50% ऑर्गेनिजम्स टॉल, 50% ऑर्गेनिजम्स ड्वार्फ। अगर ऐसा ऑब्टेन होता है, 1:1 ऑब्टेन होता है, तो मतलब क्या कहने का कि हमारा जो पेरेंटल टाइप था इट वाज हैविंग द हेटरोजाइगस कंडीशन नॉट द होमोजाइगस वन। तो हम किसी भी प्लांट का जीनोटाइप ढूंढने के लिए हमेशा टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं जिसमें पेरेंट को क्रॉस करवाया जाता है विद द होमोजाइगस रिसेसिव, रिसेसिव होमोजाइगस के साथ सिर्फ क्रॉसिंग करवाएंगे। अगर रेशियो 1:1 आती है तो पेरेंट हेटरोजाइगस होगा, अगर नहीं आती है तो वो होमोजाइगस होगा, यही आना है, ये तो फिक्स है, ये फिक्स है। हाँ जैसे ये है ना, बाकी था एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वो पता है सिंगल करेक्टर क्रॉस, डायहाइब्रिड जब हम दो करेक्टर साइमल्टेनियसली लेते हैं, तीसरा है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, मेरे ख्याल से बैकवर्ड क्रॉस। बैकवर्ड क्रॉस में क्या रहता है कि जब भी आप इसको वापस लेके जाते हैं, जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स हैं, ठीक है, उनमें से ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेंड में से किसी को पेरेंट के साथ क्रॉस करवाओ, जरूरी नहीं हमने होमोजाइगस रिसेसिव के साथ ही क्रॉस करवाना, हम होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ भी क्रॉस करवा सकते, बैकवर्ड क्रॉस, बैक क्रॉस शायद इसको बोलते हैं। हाँ ठीक है, हाँ जी क्लियर हो गया ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट्स करेक्ट, ये बताओ अ क्रॉस बिटवीन टू टॉल प्लांट्स रिजल्टेड इन ऑफस्प्रिंग हैविंग फ्यू ड्वार्फ प्लांट्स, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ बोथ द पेरेंट्स। अ क्रॉस
between two plants, tall plants, resulted in offspring having few dwarf plants. What would be the genome? Heterozygous होंगे. दोनों heterozygous होंगे. दोनों होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि उसने बोला है कि कुछ उसमें dwarf भी हैं. तो dwarf तभी आएंगे ना जब दोनों में TT होगा. हाँ. अगर आप यहाँ पे small t ले लेते हो तो क्या होगा? ये तो फिर सारे आधे tall आधे dwarf हो गए. कुछ dwarf चाहिए. सारे dwarf नहीं चाहिए, आधे dwarf नहीं चाहिए, कुछ चाहिए. तो ये दोनों हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, ये सब कंडीशंस है. कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड स्मॉल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, दोनों हेट्रो. कुछ ड्वार्फ चाहिए, आधे नहीं ज्यादा नहीं. जितने जितने ड्वार्फ चाहिए ना, सुन लो, जितने ड्वार्फ चाहिए हैं उतना ही उसको स्प्रेड कर दो. अगर आपको हाफ ड्वार्फ चाहिए थे तो एक पॉपुलेशन पूरी ड्वार्फ्स की लगा दो, है ना. अगर मोर देन हाफ ड्वार्फ चाहिए तो तीन ड्वार्फ कर दो. समझ रहे हो मेरी बात? आपको यहाँ पे कुछ ड्वार्फ चाहिए थे तो ये पॉपुलेशन में हमारे पास कुछ ड्वार्फ इस तरह से आएंगे, 1:1 रेशियो से. याद है एफ टू जनरेशन मेंडल की 1:1 आती, 25% ये कुछ आ गए. ठीक है, अगर हमें ज्यादा चाहिए थे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्वार्फ लगा देते. तो 50% होते हैं, ये इसको टॉल कर देते, 50% ड्वार्फ. ठीक है, अगर हमें 75% ड्वार्फ चाहिए तो हम एक और टी लगा देंगे, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी. और अगर हमें 100% चाहिए तो यहाँ पे भी स्मॉल टी कर दो. ठीक है, ड्वार्फ्स को काउंट बढ़ाते रहो डिपेंडिंग अपॉन परसेंटेज कितना चाहिए. टॉल के लिए नहीं, टॉल का तो परसेंटेजेस है, सिंपल है, आपको याद रखो परसेंटेजेस. मेंडल ने कौन कौन सी कितनी कितनी परसेंटेजेस लिए, बस वो याद रखो. ठीक है, हाँ जी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट टी प्लांट. इट इज अ प्लांट विद शॉर्ट एनुअल लाइफ साइकिल. ठीक है, it is true, short annual life cycle, short lifespan. ये है आपको incorrect वाला बताना है ना. Flowers are unisexual and cross pollinating. ये गलत है, self pollinating है. They are bisexual and they are self pollinating, not cross. Mendel के work में होगा ना सारा कुछ, मैंने वैसे करवाया हुआ है. बेटा स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पढ़ो ना, मेंडल ने जब भी पी प्लांट चूज किया. तो ये हमने बताया आप, चार रीजन मैंने लिखवाए हुए हैं. चलो नेक्स्ट इज मेंडल फेल्ड टू डिस्कवर लिंकेज बिकॉज 7 करेक्टर्स चोजन बाय हिम वर. ही फेल्ड टू डिस्कवर लिंकेज, लिंकेज कंसेप्ट नहीं ना आया था इनके साथ, है ना. Because 7 characters chosen by him were, कौन कौन से 7 characters का क्या feature था? First, on 4 chromosomes on which they were closely placed. जो उसके 7 characters थे वो 4 chromosomes पे थे जो कि closely placed थे. नहीं, अगर closely placed होते तो उसके resultants कुछ और होते, है ना. linkage की combination पढ़ी ना आपने, जब linked genes होती हैं तो recombination के chances कम होते हैं, जब दूर दूर होती हैं far apart होती हैं तो recombination के chances ज्यादा होते हैं. अब इन्होंने किस पे एम्फसाइज किया है, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होती है, यानी क्रोमोसोम्स पे जो करेक्टर्स होने चाहिए वो फार अपार्ट होने चाहिए, यही आएगा, है ना. सो फर्स्ट इज ऑन 4 क्रोमोसोम्स ऑन विच दे वर क्लोजली प्लेस्ड, ऑन डिफरेंट 7 क्रोमोसोम्स, ऑन डिफरेंट 2 क्रोमोसोम्स, डिफरेंस पे तो है ही नहीं है, बात सेम पे बात हो रही है. ऑन 4 क्रोमोसोम्स फार अपार्ट, फार अपार्ट. ठीक है, क्योंकि उन्होंने लिंकेज का कंसेप्ट नहीं ना लिया, इसने तो रिकॉम्बिनेशन की बात ही करी है, इसने तो हर तरफ रिकॉम्बिनेशन ही बनाए. हाँ हाँ हाँ, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा इन्होंने सपोर्ट किया, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा. ठीक है जी, सो वील कंटिन्यू फर्दर. थैंक यू सो मच. एनी डाउट्स इफ यू हैव.